वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। मेरे साथ सब ठीक होंगे, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है ना बच्चों का ड्राइंग का पेपर है और लास्ट पेपर है, तो आज वो काम ही ना करेंगे बल्कि खुशी से पेपर करके दस जान छूट जाएगी और जल्दी फिर उनका पेपर चेक हो जाएगा। और आज जो है फ्राइडे है, 11:30 छुट्टी भी हो जाएगी। और बस, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप निकल आई है आज। तो अभी मैं माइलो और स्वीटी को देने लगी उनका खाना, और ये मेरे पास एक सैंपल का इनके दूसरा के तीसरा फूड पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अभी इनको ना ये वाला ट्राई करवाते हैं, ये इनको कैसा लगता है। तो इस तरह ना कुछ शॉपर में है, तो बस अभी इनको ये देते हैं, देखते हैं इनको अच्छा लगता है कि नहीं। ये स्वीटी ने तो रोना शुरू कर दिया, मैंने खोला ही है। तो चलो आ जाओ स्वीटी पीछे पीछे। एक को मैंने कूली में डाल दिया और एक ने शॉपर के अंदर ही खाने शुरू कर दिए। और अभी इनको अभी जो है ना मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है काट के, ठीक है। और ये आलू भिगो के रखे हैं मामा ने, और ये है मुर्गी, और ये चावल भिगो के रखे हैं। तो अभी फिर प्याज ब्राउन होने का अंडा डालते हैं। तो प्याज ना ब्राउन हो गए थे और उसके अंदर ना मामा ने जो पहले वाला पड़ा हुआ ना काल का मसाला वाला चिकन वो भी सारा डाल दिया पानी डाल के ना। तो बाकी सारा कुछ भी इसके अंदर जो प्याज टमाटर आलू वगैरह डाले थे मसाले वगैरह वो सब कुछ डालती जा रही है, क्योंकि मुझे इतने छिंडा बनाने आते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं बना के रहती हूँ। आजकल इतनी गर्मी है ना कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, और ना दिल करता कि बंदा कुछ बनाए और ना दिल करता कि कुछ खाए, बस बैठा रहे पंखे के नीचे गर्मी ना लगे। और आज तो वैसे भी अगस्त ख़त्म हो जाएगा आज, और कल वैसे भी सितंबर है कि 1 सितंबर है। तो पता नहीं अब मौसम का अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा वैसे गर्मी थी। तो अभी घर आए हैं और आते सारी आगे के हमने है वो है ये खीर, किसी के घर से आई है। और ये आ गया है भाई, और ये है खीर। हम बिल्कुल थक गए हैं। ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं, और बिस्किट तो हमने रास्ते में खाना शुरू कर दिया था। ये भी मामा ने और मेरी बहन ने, और साथ ये वाले बिस्किट्स लेके आई हूँ मैं खाने के लिए। तो आधे बिस्किट ना हम रास्ते में खाए हैं और आधे घर लेके आए हैं। ये तो हमने रास्ते में खोले थे, और दूसरा पैकेट जो वो भी नहीं खोला, लेकिन ये बिस्किट बहुत ही मज़े का है। तो अब मैंने अपने भाई को दिया, वो कहता लाओ मैं भी ट्राई करूँ। ये मैं ना मेरी बहन कह रही थी कि इधर भी मिलती है, लेकिन मैंने अभी तक कभी नहीं देखे था, तो इसलिए मैंने उधर से ही लिया है फर्स्ट टाइम। और ये अभी दूसरा बॉक्स जो है ना मेरा भाई खोल रहा है। उनके पास ना इस बॉक्स का बड़ा साइज़ भी था, लेकिन मैंने पहले कभी खाया नहीं ना, तो इसलिए मैंने बड़ा बॉक्स नहीं लिया। मैंने कहा छोटा पहले लेकर देखते हैं, अगर ज़्यादा अगर अच्छा लगा ना तो फिर और बड़ा भी ले लेंगे। तो इसमें ना अलग अलग साइज़ के और अलग अलग शेप के बिस्किट्स हैं, पता नहीं कभी मीठे भी मेरे हाथ से होंगे और नमकीन भी है, बड़े मज़े मज़े के बिस्किट लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ भाई, मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी। सुबह मैं इसलिए निकली क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप निकला था, तो जुम्मे को दुकानें वैसी बंद होती हैं, तो मुझे ना लगता है कि जुम्मे को ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए अभी निकली। और 6:30 का टाइम है अभी। अभी ना मैं जा रही हूँ बेकरी में, और क्योंकि उधर से कबाब लेने आए, आज हम बनाने लगे हैं बर्गर। अभी मैं बेकरी आई हूँ कुछ 2-3 चीज़ें लेने, बस अंकल को बताया वो देते हैं तो चलते हैं। तो अभी ना हम ना सारी चीज़ें ना मैंने ले ली हैं, और अभी घर वापस जाते हैं। चल के मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया मैंने। और मौसम इस वक्त ना थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, अभी ठंडी हवा नहीं चली। और अभी मैं जा रही मामा के साथ अब हॉस्पिटल। रिक्शे पे बैठने का भी ना एक अलग मज़ा है, गाड़ी में वो मज़ा नहीं आता। अभी मामा के साथ हॉस्पिटल आई हूं, मामा मेरे अंदर चेक करवाने, और ये कंफर्म में बैठी बड़ा मजेगा पंखा कभी इधर कभी उधर। आज हॉस्पिटल में रश था, मैं पिछले दिन मैं आई थी ना, तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल भी रश है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं। आज कल तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश होता है, हर दूसरा बंदा बीमार है। मैं सुबह नानों के साथ गई थी हॉस्पिटल, उधर इतना ज़्यादा रश था ना हॉस्पिटल में, लेकिन इधर यह कि इधर इतना रश था ना, लेकिन इधर ज़्यादातर लोगों को ना ड्रिप्स हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, मामा को भी ड्रिप लग गई है, और अभी पूरी रात हो गई है, आए रोशनी में थे, और अभी हम बाइक पर घर जा रहे हैं। मैंने ये इतने ज़्यादा बर्गर लेके आई हूँ अभी, और ये मेयोनीज है, और ये है केचप। तो अभी ना बनाने लगी मैं बर्गर।
तो अभी ना मैंने एक साइड पे तवा रख दिया और दूसरे चूल्हे पे जो है ना फ्राई पैन रख दिया ताकि ज़रा जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। तो फ्राई पैन है ना उसके अंदर मैं कबाब बना लूँगी और तवे पे मैं बंद गर्म कर लूँगी। तो अभी इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं डाला ना, ऑयल को खोलते हैं तो ऑयल डालते हैं, फिर उसके बाद ऑयल जो फ्राई पैन में डालेंगे क्योंकि फ्राई पैन बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा हल्का कर दें। अभी ना मैंने बर्गर बनाने शुरू कर दिया और मोबाइल को मैंने नीचे सेट कर दिया। मैंने कहा चलो मैं ज़रा पहले ना एक दो सारा सेट कर लूँ फिर मैं मोबाइल उठाती हूँ। अच्छा अभी ना मैं अंडे तोड़ रही हूँ और उसके बाद कबाब निकाल के रखती हूँ ताकि वो एक दफ़ा थोड़े ना डिप करके रखती हूँ ताकि थोड़े नरम हो जाए, फिर जल्दी जल्दी बन जाएंगे और फिर कबाब बनाते हैं। फिर और अभी मैंने फ्राई पैन जो है वो ऊपर रख दिया और अभी ना मैं अंडे जो है ना मैंने छेल लिया और अभी मैंने कुछ टाइम मिक्स कर लूँगा, फिर इसमें कबाब को डिप करके ना तो फ्राई पैन में डालते हैं। अभी ना कबाब को लगाते हैं अंडे में डुबकी और ऊपर डालते हैं। अच्छी तरह इसके ऊपर अंडा लगा के और अभी मेरी बहन यहाँ पे काट रही है प्याज। अभी ना मैंने एक साइड पे चूल्हे पे ना कबाब रख दिया और दूसरी साइड पे बन रख दिया और मेरी बहन ने ये काट रही है प्याज। उसने बोला कि बड़े बड़े प्याज जो होंगे ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, जो छोटे छोटे प्याज है ना वो ज़्यादा मज़ा आएगा उसका। तो मैंने कहा चलो तुम प्याज काट दो, उसकी आँखें जो है ना निकल आई हैं, तो मतलब जो प्याज है वो इतने सहज उसकी आँखों में लग रहे हैं, तो इसीलिए ना मैंने ये प्याज वाला काम ही नहीं लिया। दूसरी साइड पर देखते हैं कबाब, चार मैंने कबाब डाले हैं, उनका चार चार करके डालते हैं और तकरीबन मैं छः ही बनाने हैं, बस छः से फिर अगर ज़्यादा हुआ तो सात बना लेंगे। और ये ना सीधा करते करते ना नीचे गिर गया, अभी इसको जैसे उठाएँ काम थोड़ा ख़राब ना हो तो मुझे ऐसा लगता है काम हुआ ही नहीं, तो अभी साथ ख़राब हो रहा है और साथ हो भी रहा है। और मेरी बहन प्याजू का कत्ल करते हुए और सारे उसकी आंखों का भी कत्ल हो गया है। जितने कबाब बना रहे थे ना वो सारे मैंने बना लिया, अभी आखिरी कबाब है जो बन नहीं रहा, तो बस इसको जल्दी से दिया। प्याज और मिर्च, प्याज डाला है, नमक मिर्च डाली है और ये पता नहीं क्या डाल रही है, काली मिर्च, काली मिर्च। अभी अब बनाने लगी मैं अंडा, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ना तैयार करके रखी है और ये जो अंडा है इसे जितनी भी चीज़ें हैं सारी मेरी बहन ने डाली है। तारीफ का लफ्ज़ तो तुम्हारे मुँह से सुनने के लिए मैं मर जाऊंगी ना, फिर ऊपर तारीफ करती है ना बैठे ऐसे जो है वो भी गर्म हो गया, कबाब भी बन गया और अंडे भी जो है ना वो भी बन गया। तो अभी सारा कुछ जो है बनाने वाला वो तो बना लिया और बाकी चूल्हे छूल्हे बंद कर दिया और ना अब इनको जो है सारा कुछ एक तरतीब में लगाते हैं और फिर हमारा बर्गर कम्प्लीट हो जाएगा और फिर वो खाते हैं। 30 मिनट लग गया बनाते बनाते। आज सारा दिन इतनी गर्मी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ही तेज़ आज धूप निकली हुई थी। ठीक है तो अभी बहन ना थोड़ी देर पहले गई हुई थी छत पे, तो बहुत ही मतलब थोड़ी देर भी ना एक दो मिनट के लिए भी ना खड़ा नहीं हुआ गया, इतनी गर्मी थी। तो फिर मैंने फटाफट मुर्गी को खाना डाला तो मैं नीचे वापस आ गई।
अभी ना सारे बर्गर के ऊपर केचप लगाते हैं, फिर उसके बाद अंडा मायोनीज और सारा कुछ सेट करके ना फिर खाने की तैयारी करते हैं। खाने से पहले भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाके खाना खाना पड़ता है, खाने को मिले। और बर्गर जो है बिल्कुल रेडी हो गया, बस मायोनीज लगाने वाली रह गई है। तो मैं जितनी जल्दी इसके ऊपर मायोनीज लगा रही हूँ और अभी इसके ऊपर रखते हैं और फिर इसको चल के खाते हैं मजे मजे से। बर्गर तो रेडी हो गया है, लेकिन ऐसा हो कि मैं किचन में हूँ और कोई भांड ना डालूं, तो अभी भी एक भांड में से डाल गया, तो मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये आप देखते हैं मेरी खोती बहन ने इसका भी ऊपर लगा दिया, इसके भी ऊपर लगा दिया और इसका भी निचला लगा दिया, इसका भी निचला लगा दिया। जब आपको कुकिंग ना आती हो मुझसे बनवाओगे तो यही होगा। मैंने कहा था ना मेरी थोड़ी हेल्प करो, ऊपर नीचे वाला बता दी जाओ, मुझे तो समझ ही नहीं थी आ रही कि इसका मैंने मतलब क्या मैंने 6 समझ के बनाया है। मैं मतलब मैं ऊपर वाले गिनी नहीं थी, मैं सिर्फ नीचे वाले ना ये सिर्फ नीचे वाले ये जो है सिर्फ ये गिन रही थी, मैंने गिना ही नहीं कि इसके ऊपर भी कुछ देना है। मैं 6 बर्गर समझ रही थी और 6 ही मैंने कबाब बनाया है कि 6 बर्गर। ये तो जब पहले गाने लगे तो तुमने बताया कि इसके ऊपर भी कुछ आता है, इसका कारक मैं वो फिर मुझे समझ आई है कि ये मैंने 4 गरम किया लेकिन बना समझ में 6 रहे। तो ये दो बर्गर है ना, ये ऊपर वाली साइड ऊपर है और नीचे वाली जो है ना वो भी ऊपर वाली साइड है, और ये जो है ना ये नीचे वाली मतलब नीचे ऊपर भी नीचे वाली है, नीचे भी इसके नीचे वाली है। तो है ये कोई बात नहीं, खाना ही है ना। ये देखिए कितना खूबसूरत चौन निकला हुआ है, तो अभी ना मैं लेने जा रही हूँ रोटियाँ। गली में बिल्कुल अंधेरा है, बाहर चलते हैं देखते हैं रोशनी है कि नहीं। मिला बहुत ज़्यादा रात का टाइम है, मैंने तो खाना खा लिया हुआ है लेकिन मामा ने नहीं खाया, तो उन लोग उनके लिए लेके आते हैं रोटियाँ। अभी हमने रोटियाँ ले ली है और हम लोग घर वापस जा रहे हैं, और पर यहाँ पे बैठा हुआ है डॉगी। चांद इतना खूबसूरत लग रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, पूरे का पूरा फुल मून है इस वक्त और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है।